हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की खबर ये है कि फ्लाइंग बीस्ट एंड रुतु राठी डाइवोर्स न्यूज रिप्लाई। हैं, उन दोनों का डाइवोर्स हो रहा है? डाइवोर्स न्यूज फेक है कि सच्ची है? मेरे को तो फेक लग रही है। आई कांट बिलीव इट, सीरियसली आई कांट बिलीव इट। तो देखते हैं क्या है, कि किसी ने अफवाह फैलाई है, क्या ये चल क्या रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ये इनके कुछ व्लॉग्स हमने देखे हुए हैं एंड पूरे फैमिली ओरिएंटेड फैमिली है। दो बेटियां हैं छोटी छोटी। डाइवोर्स किस वजह से हो रहा है, अगर हो रहा है? मेरे को तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं कि जिससे लगे कि भैया डाइवोर्स होना चाहिए या हो रहा है, या कुछ इनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं क्या न्यूज़ क्या है। बड़ी शॉकिंग लग रही है। मैं तो बिलीव नहीं कर पा रही, सच बता रही हूँ। तो चलो देखते हैं। आज हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट एंड रितु राठी के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एंड रितु राठी के डिवोर्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं। जहाँ शॉकिंग रूमर स्टार्ट हुआ भजन मार्ग के चैनल में, जब एक वीडियो अपलोड हुआ जहाँ पर एक लेडी आई थी प्रेमानंद जी महाराज के पास अपने को लेकर, एंड शी लुक्स लाइक रितु राठी। एंड जब वो सवाल पूछ रही थी, तब उनका आवाज रितु राठी जैसा ही लग रहा था। एंड बेसिकली उनका सवाल ये था, पति से छल कपट और अपमान के कारण दूर हो गई हूँ, क्या मुझे बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहिए? एंड वो बता रही थी कि कैसे उनकी दो बेटियां हैं, शी हैज अ गुड जॉब एंड वो अपने बेटियों को संभाल भी सकती है। तो ये चीज सुनकर लोगों को इंस्टेंटली लगने लगा कि शायद से ये रितु राठी है। एंड बहुत सारे लोग फ्लाइंग बीस्ट के चैनल में जाकर ऐसे कमेंट्स करने लगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, हमें क्लैरिफिकेशन दो, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, कुछ खराब है सही है बताओ प्लीज। नॉट ओनली द यूट्यूब चैनल, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हो। बट यस, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि शायद से ऐसा कुछ ना हुआ हो, क्योंकि फ्लाइंग बीस्ट जो कि अभी अपने फैमिली के साथ ट्रिप में गए, जहाँ पर रितु राठी नहीं आई है, उसका रील जब वो अपलोड किए थे तो वो कैप्शन में लिखे थे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली, मिसिंग आवर मेंबर रितु राठी। नाउ गाइस, आई थिंक इस सिचुएशन को लेकर अभी हम लोग कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हैं जब तक उन लोग के तरफ से स्टेटमेंट ना आ जाए। एंड यस, एज आई वाज एडिटिंग दिस वीडियो, फ्लाइंग बीस्ट अपने तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया ऑन दिस मैटर। वो अपने इंस्टाग्राम में एक फोटो पोस्ट किए है जिसमें की लिखा हुआ है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। एंड कैप्शन में वो बोले कि मैं अपने बच्चों एंड बच्चों की माँ के लिए चुप रहूंगा। आई एम रेडी टू लिव विद ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट फॉर माई एंटायर लाइफ, बट प्लीज कोई भी तरीके का पब्लिक एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत करना। प्लीज चीजों को अज्यूम करना बंद करो। मेन को विलन्स बहुत जल्दी बनाया जाता है। हम लोग रोते नहीं है, कम बात करते हैं, कम एक्सप्रेस करते हैं, एंड सम ऑफ अस आर हार्ड वायर्ड लाइक दैट। एंड सोशल मीडिया एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फैमिली मैटर्स डिस्कस करना चाहिए, एंड इसीलिए आई हैव नथिंग टू से। होपफुली जल्द ही सब कुछ सॉर्ट हो जाए। मेरे पूर्व जन्म के और इस जन्म के बहुत पाप एकत्रित होंगे, ये भगवान की कृपा ही है कि इसी जन्म में वो मेरे सारे प्रबंध नष्ट कर रहे हैं। पीएस, ऑनेस्टली मेरे को कुछ भी पोस्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है अभी, बट मेरे कुछ कुछ ब्रांड कमिटमेंट्स हैं एंड मेरा ये काम है, इसीलिए मैं पुराने कंटेंट को पोस्ट करने वाला हूँ अभी। आई कांट लेट अदर सफर ड्यू टू माई पर्सनल इश्यूज, सो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और इसके बाद यही सेम पोस्ट को रितु राठी भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में रीशेयर की। हम लोग बात करने वाले हैं भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए एंड यूट्यूबर्स भी अपने तरफ से रिएक्शन दिए। यस गाइस, अभी तक तो शायद से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि भुवन बाम का ताजा खबर सीजन 2 रिलीज हो गया है डिज्नी प्लस हॉटस्टार में। एंड भाई, जब ये रिलीज होने वाला था उससे एक दिन पहले भुवन बाम अपने फैंस को थैंक यू एंड रिक्वेस्ट करते हुए एक वीडियो डाले थे, जहां पर वो बोले थे कि सीजन 1 में आप लोग ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, ऐसे ही सीजन 2 में भी सपोर्ट करते रहना जैसे कि आप लोग करते हुए आए हो। एंड जब फिर ये रिलीज हो गया, तब वो अपने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाले विद द कैप्शन, रोना आ रहा है और क्या बोलूं, ताजा खबर सीजन 2 इज योर्स नाउ। इस पर रिएक्ट करते हुए आशीष चंचला ने लिखे, अभी 2-3 दिन अच्छे से सोना, आराम कर, पूरी पूरी रात जग के स्ट्रेस लेता है। फिर ट्रिगर्ड इंसान भी कमेंट किए, माय गुड, एंड अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखे, भुवन बाम ऑलवेज सेटिंग बेंचमार्क फॉर अस ऑल, जल्दी से बिंज वॉच कर लो ताजा खबर सीजन 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। एंड भाई, पर्सनली मैं भी इसके प्रीमियर में गया था, मैंने फोटो पोस्ट करके आप लोगों को दिखाया हुआ है। एंड भाई, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स 2 एपिसोड्स वहां पर मैंने देखे, मेरे को वो तो अच्छा लगा ही, बट जैसे ही मैं भुवन बाम से भी मिलने गया था, वो इंस्टेंटली मेरे को रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज कर लिए थे, वो पूछ रहे थे कैसे हो, शो कैसा लगा, रिव्यू दो, एंड बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। एंड या ऑफ कोर्स मैं वहां पर अपने फेलो यूट्यूबर्स से तो मिला ही, बट बहुत सारे वहां पर एक्टर्स भी आए थे जिसमें से एक थी श्रद्धा कपूर। अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं मिल पाया, ये चीज का थोड़ा दुख जरूर है, बट जो भी हो यार, ताजा खबर सीजन 2 आ गया है। अगर आपने देख लिया है तो अपना रिव्यू मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे स्टोरी है, बात करने वाले टेक्नो गेमर्स के बारे में। तो क्या टेक्नो गेमर्स अपना एग्जैक्ट इनकम को रिवील कर दिए? यस गाइस, आपको पता होगा टेक्नो गेमर्स इज वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया। रिसेंटली जब वो अपना एक पॉडकास्ट दिए थे एंड इनकम से रिलेटेड टॉपिक उठा था, एंड इंटरव्यूअर उनसे पूछे थे कि कुछ कुछ आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि आपका नेटवर्थ 50 करोड़ है, तो इसको तो वो डिनाई कर दिए, बट थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन जरूर दिए कि अप्रोक्स उनका इनकम कितना है। वो बताए कि उनको 1000 व्यूज में अप्रोक्सीमेटली $0.25 मिलते हैं। अब लास्ट 30 डेज में उनको 126 मिलियन व्यूज आए हैं, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके मेरे को कमेंट्स में बता देना। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो एल्विश यादव एंड सिंगर फैजल पुरिया की ईडी केस से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जहां गाइस ईडी अपने तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट में बताया है कि एल्विश एंड फैजल पुरिया का जो म्यूजिक वीडियो आया था जहां पर वो रेयर स्पीशीज ऑफ स्नेक्स को यूज किए थे, उस केस को लेकर ईडी ने 52.5 लाख के प्रॉपर्टीज को सीज किया है जो कि कनेक्टेड थे टू फैजल पुरिया, एल्विश एंड एक कंपनी स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वही ईडी ने बताया कि उस म्यूजिक वीडियो से वो लोग रेवेन्यू जनरेट किए, एंड इसलिए जो भी वो क्राइम लिंक्ड प्रॉपर्टीज थे उसको सीज कर लिया गया, एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोग्रेस। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले बियर बाइसेप्स के बारे में। तो बियर बाइसेप्स अपने चैनल हैक से रिलेटेड अपडेट दिए। जहां गाइस इफ यू डोंट नो, तो बियर बाइसेप्स के यूट्यूब चैनल्स हैक हो गए थे। स्टार्टिंग में थोड़े से जोक्स वगैरह पोस्ट कर रहे थे, बट इवेंचुअली वो एक सीरियस पोस्ट भी डाले थे कि हम लोग वर्क कर रहे हैं अभी ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स, बट इवेंचुअली उनका चैनल वापस आ गया, एंड वो इससे रिलेटेड एक मैसेज देते हुए चैनल्स रन आउट द ब्रॉडकास्ट, चैनल्स हैव बीन रिस्टोर्ड थैंक्स टू द YouTube ग्लोबल एंड YouTube इंडिया टीम्स, वेरी ग्रेटफुल टू देम, वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू दिस वेरी वेरी टेस्टिंग पीरियड। There was a moment when I thought I'll have to finally switch into being a full-time entrepreneur, no more YouTube, thought I'll focus much more on Level Supermind, but God has other plans. I also want to just tell you guys that this is not a marketing or PR stunt, my work is my dharm, it's my faith, I would not mess around with the image of my work inside. बाप रे, एक से एक ऐसी न्यूज सुनने को मिली है, सबसे ज्यादा शॉकिंग तो फ्लाइंग बीस्ट और रितु राठी। मुझे तो लग रहा था ऐसी कोई रूमर हो रही है, पर रूमर में अगर रूमर होती तो दोनों सामने आके इकट्ठे आके बोलते कि नहीं हमारा कोई डाइवोर्स नहीं है। और दूसरी शक की बात यह है कि अभी ये फ्लाइंग बीस्ट जो है ये घूमने गया हुआ है, पर सिर्फ बच्चों के साथ गया है और ऐसा लग रहा है अपनी बीवी के साथ नहीं गया है। तो क्यों बीवी के साथ नहीं गया है? फिर दूसरी बात है कि वो ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स दे रहा है जिसमें वो कह रहा है कि मैं अपनी फैमिली और बच्चों के लिए उनकी वजह से कुछ नहीं बोलूंगा। फिर वो ये कह रहा है कि मेरे कोई बाप पहले के और अब के हैं, तो मैं उनको 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 पता नहीं क्या। तो अजीब अजीब सी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये र्यूमर हो तो दोनों इकट्ठे आके सामने बोल सकते हैं कि भैया ये सच नहीं है। पर सबसे ज़्यादा जिसको देख के शौक लगा वो ये था कि वो एक वीडियो जो आई जिसमें रितु जो है रितु राठी वो बैठ के जो है उनसे पूछ रही है सवाल, और सवाल इतना अजीब था कि अगर तुम्हारा पति पता नहीं क्या था, ऐसे लग रहा है बोला हुआ था कि शायद वो आपको गंदी तरह ट्रीट करता है और उसके किसी के साथ ऐसे लग रहा है अफेयर है या कुछ है, उस टाइप से मुझे लगा। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती कि फ्लाइंग बीज जो है उसका किसी के साथ अफेयर हो सकता है। ही लुक लाइक अ फैमिली पर्सन, जैसे सबकी फैमिली होती है, हम लोगों की फैमिली है, वैसे उस टाइप का एक इंसान लग रहा है। पर एक भी बात, ये बात भी है कि जब फेम मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, तो हर कोई उसको जो है उसको उसके साथ रह नहीं पाता। मतलब आपके पास नॉर्मल इंसान हो और एकदम से आपके पास इतना कुछ मिल जाए, फेम भी हो, पैसा भी हो, पॉपुलैरिटी भी हो, तो फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब होगी। पर एक अब ये पता नहीं कि भैया कितनी इस बात में सच्चाई है, क्योंकि दो अब ये भी मैं तो दूसरा एंगल भी सोच रही हूँ कि कहीं ये भी स्टंट इनका खुद का ही ना हो। आजकल तो यूट्यूबर्स ये भी करते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें जिससे व्यूज बढ़े, अब मुझे नहीं पता क्या इनके व्यूज घट रहे थे उससे, अगर घट रहे थे या उतने व्यूज जैसे पहले आते थे वो नहीं आ रहे, और तो फिर एक ये एंगल भी हो सकता है। तो आप लोग बताना कि फ्लाइंग बीस्ट के व्यूज जैसे पहले थे वैसे ही हैं कि नीचे जा रहे थे, तो
अगर वैसे ही हैं या उससे ऊपर जा रहे हैं तो फिर ये एंगल थोड़ा गलत हो सकता है, पर अगर व्यूज डाउन हो रहे थे, वैसी पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही थी, correct. तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ऐसी चाल चल रहे हो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। तो वही अगर एंगल है, हाँ हम ये नहीं कर रहे, यही हो सकता है, मैं वैसे बात कर रही हूँ, जेनेरिक बात कर रही हूँ। हमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे हैं, इस वजह से शक होता है कि क्योंकि लोग व्यूज के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, और बड़ा शॉकिंग लगता है जब देखते हैं कि इतना कोई क्यों कैसे गिर सकता है। पर देखते हैं, अगर ये दोनों इकट्ठे आ गए तो उससे भी पता चल जाएगा कि व्यूज के लिए था कि नहीं था, क्योंकि अभी तो ये एकदम से आए नहीं, क्योंकि अगर ऐसा र्यूमर है तो उसी टाइम दोनों इकट्ठे आ जाना चाहिए था, पर वो भी सिचुएशन नहीं, पर हमें अभी पूरी बात नहीं पता। तो आप लोगों ने वीडियोस भेजी हैं और देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन पता चलती है, बट दिस वॉज रियली शॉकिंग, बहुत ही शॉकिंग है, खासकर जब आपके दो बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे हों, उनकी लाइफ बड़ी अफेक्ट हो जाएगी अगर ये सिचुएशन है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।